असलम गर्ल्स uh, आज जो है हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ओपननेस एंड फैक्टर एक्यूमुलेशन इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था द इफेक्ट ऑफ ओपननेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें हमने तीन तरीक़ों से तीन क्राइटेरिया से समझा था कि ओपननेस का इकोनॉमिक ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है लेकिन जब हमने ये कंक्लूड कर लिया कि इफेक्ट करता है इकनॉमिक ग्रोथ को ओपननेस तो इसके बाद अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि जो ओपननेस है वो किस हद तक या किस तरीके से कौन से आ, आ, कौन सा वे ऑफ इफ़ेक्ट है जिससे असर अंदाज़ होता है इकनॉमिक ग्रोथ के ऊपर तो हम जो है सबसे पहले ओपननेस एंड फैक्टर एक देखेंगे क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ट्रेड जो है या ओपननेस जो है या ग्लोबलाइजेशन जो है ये दो तरीक़ों से होती है इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था एक तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होती हैं यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स ट्रांसफ़र होती हैं और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर जब एक कंट्री ओपन इकोनॉमी कहलाती है तो वो दो चीज़ें ट्रांसफर कर सकती है एक गुड्स और दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो अब जो है हमारा टॉपिक है ओपननेस एंड फैक्टर्स एक्यूमलेन फैक्टर की ओपननेस फैक्टर एक्यूमलेशन की वजह से कितनी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करती है तो ये है आपकी बुक में पेज नंबर थ्री और यहाँ पर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अगर एक्सचेंज किया जाए या यूज़ किया जाए तो ये कितनी इफेक्टिवनेस शो कर सकती है ऑफ डेटा इन द लास्ट सेक्शन लीड्स टू द कंक्लूजन दैट ओपननेस मेक्स एन इकानमी रिचर क्योंकि हमने ये कंक्लूड कर लिया कि जितनी एक कंट्री जो है वो ओपन होगी ओपन इकोनॉमी होगी आ, आ, वो ट्रेड लिबरलाइजेशन दिखाएगी उतनी ही वो रिचर होगी बट इट डज़ नॉट इंडिकेट हाउ ओपननेस अफेक्ट ग्रोथ लेकिन हमें इस बात से ये पता नहीं चलता कि किस तरह से ये किन तरीक़ों से ओपननेस uh, जो है वो ग्रोथ को इफेक्ट कर रही है अब हम वो तरीक़े पढ़ रहे हैं In other words, what are the particular channels by which being open to the outside world affects a country's level of income per capita? On the basis of the analysis in Chapter 7, we mm -hmm. Chapter 7, I read, so we read done A natural place to begin answering this question is to consider whether openness affects growth uh, through the channel of factory accumulation. आर थ्रू द चैनल ऑफ़ प्रोडक्टिविटी हमने उसमें प्रोडक्टिविटी पढ़ी थी चैप्टर नंबर सेवन में जो हमारा लास्ट चैप्टर था तो उसमें भी ये कहा गया था कि प्रोडक्टिविटी के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है जिसको हमने ए से मैंशन किया था वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी मुमकिन है आइडियाज़ भी जो हैं वो कॉपी होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो इधर क्या कहा जा रहा है इन अदर वर्ड्स आर मोर ओपन कंट्रीज़ रिचर बिकॉज दे हैव मोर फिज़िकल एंड ह्यूमन कैपिटल और कोई कंट्री जो है वो तब भी रिचर कहलाती है जब उसके पास फ़िज़िकल और ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होती हैं तो फ़िज़िकल और ह्यूमन कैपिटल जो है जब ज़्यादा होगी हर वर्कर के लिए तो क्या होगा कि क्या वो रिच होती है और दे रिचर बिकॉज़ दे यूज़ यर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोर इफेक्टिवली ह्यूमन कैपिटल और फिज़िकल जो कैपिटल होता है क्या वो अच्छे से अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं अब इस चीज़ को समझने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वी स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग फैक्टर फैक्टरेशन स्पेसिफ़िकली वी कंसिडर हाउ ग्रोथ इज़ अफेक्टेड बाय द फ़्लो ऑफ़ फ़िज़िकल कैपिटल अमंग कंट्रीज़ अब यहाँ पर बात की जा रही है फ़्लो ऑफ़ फ़िज़िकल कैपिटल फिजिकल कैपिटल की कि अगर ओपननेस होती है और ओपन इकोनमी होती है तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कैपिटल फ़्लो कर रहा होता है तो क्या वो uh, जो uh, मुख्तल्फ़ कंट्रीज़ के दरम्या फ़्लो ऑफ फ़िज़िकल कैपिटल है ये किसी कंट्री की इकनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है वी फोकस ऑन फिज़िकल कैपिटल बिकॉज इट इज़ द मोस्ट मोबाइल फैक्टर ऑफ़ प्रोडक्शन हमने फ़िज़िकल कैपिटल के बारे में इसलिए बात करना स्टार्ट की है क्योंकि हमारे पास जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो सबसे ज़्यादा जो कैपिटल होता है वही मूवेबल होता है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे ले जाते हैं या हम लोन ले कर इन्वेस्ट करते हैं कहीं कहीं से लोन लेते हैं कहीं से शेयर्स ख़रीदते हैं परचेज करते हैं कहीं बॉन्ड्स ख़रीदते हैं और कहीं बिल्डिंग परचेस करके उसमें फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फैक्ट्रीज लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है कै, फिजिकल कैपिटल अब जो फ़िज़िकल कैपिटल होता है इसकी जो फ़्लो होती है ये टू काइंड्स की होती हैं दो तरीके से हम कहीं फ़िज़िकल जो कैपिटल होता है उसको मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं एक है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब इन दोनों में डिफ़्रेंस क्या है फ़ॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है जब हम किसी दूसरी कंट्री में किसी फ़ॉरन कंट्री में फ़ॉरन फॉर्म या बाय करते हैं या फिर एक फैसिलिटी को बिल्ड करते हैं यानी कोई फैक्ट्री बना दी हमने या कोई आ, प्लांट आ, बना दिया ठीक है तो जब दूसरी कंट्री में हम ख़रीद लेते हैं परचेस कर लेते हैं बाय कर लेते हैं किसी बिल्डिंग को तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं और दूसरी तरफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब हम किसी दूसरी कंट्री में आ, किसी भी कंपनी की फॉर्म की या बिज़नेस की आ, जब शेयर्स या बॉन्ड्स परचेस कर लें तो उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं पेज नंबर थ्री एटीन एट लास्ट पैराग्राफ फिज़िकल कैपिटल फ्लोज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स थ्रू सेवरल चैनल्स द लार्जेस्ट इज़ फ़ॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है कैपिटल के फ्लो का किसी भी कंट्री में वो फ़ॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही होता है इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कैपिटल फ़्लो करता हो लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है शेयर होता है वह एफ डी आई का होता है fdi by which a foreign firm buys or builds a facility in another country the second largest channel is portfolio investment where investors from a foreign country purchases a stock or bond यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताई जा रही हैं कि इन दो पहले तो बताया जा रहा है कि सबसे पहला सबसे बड़ा जो कैपिटल फ़्लो का जरिया बनता है वो एफडीआई होता है दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है उसके बाद आ जाती हैं ग्रांट्स एंड लोन्स एंड लैंडिंग्स ठीक है या फिर आ, कोई डोनेट कर दे ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो थर्ड कैपिटल फ़्लो का हिस्सा होती हैं द रिमेनिंग सोर्सेज ऑफ कैपिटल फ्लोज़ आर गवर्नमेंट ग्रांट्स लैंडिंग्स फ्राम बैंक्स एंड मल्टी नेशनल डोनर्स एजेंसी एज वर्ल्ड बैंक अब आ, कहा जा रहा है कि पूरी कंट्री पूरी दुनिया में जितनी भी कैपिटल फ़्लो हुई थी उनमें से आ, सबसे ज़्यादा हिस्सा एफडीआई का था ऑन द फोर एटी पॉइंट सेवन बिलियन्स डॉलर्स इन फाइनेंसिंग दैट फ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज़ इन टू थाउजेंड फाइव टू एटी पॉइंट एट बिलियज वॉज फॉरन एड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा जो है वो टू एटी डॉलर्स था ठीक है अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं ग्रोथ विद कैपिटल मोबिलिटी ये जो है थोड़ा थोड़ी सी हेल्प ली गई है चैप्टर नंबर थ्री में हमने जो कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था उसमें आ, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी भी थी उसी की रिविजन हो रही है अगर आपको इस पैराग्राफ को समझना है तो आपको चैप्टर नंबर थ्री आना चाहिए आ, और अगर आप समझना चाहते हो तो पहले चैप्टर नंबर थ्री रीड कर लें स्टडी कर लें उसमें जो सोलो मॉडल का जो सोलो मॉडल की क्वेश्चन थी और जो मॉडल्स हमने बनाए हुए थे उसी से हेल्प ली जा रही है इस बात को समझाने के लिए पेज नंबर थ्री नाइनटीन अ नेचुरल वे टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ कैपिटल मोबिलिटी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ टू यूज़ द सोलो मॉडल हम सोलो मॉडल की हेल्प से इकनॉमिक ग्रोथ का पता लगा सकते हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं वैन यू फर्स्ट इनकाउंटर दिस मॉडल वी एग्जामिन एन इकोनॉमी दैट वॉज क्लोज टू कैपिटल फ्लो थर्ड चैप्टर में हमने जितनी भी स्टडी की थी उसमें हमने ये सपोज किया था एक इकोनॉमी जो है वो क्लोज इकोनॉमी है और उसके अंदर जितनी भी कैपिटल वर्क कर रही हैं जितने भी वर्कर्स को कैपिटल अवेलेबल है वो एक क्लोज इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी के अंदर जितनी अवेलेबल कैपिटल स्टॉक है उसी से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अब जो हमने इसको एक्सचेंज करना है या फिर हमने इसको आ, आ, चेंज करना है इस चैप्टर के लिहाज से हमने कहना है कि जो एक कंट्री में कैपिटल होता है उसमें कमी या इजाफ़ा हो सकता है क्योंकि वो एक ओपन इकोनॉमी है ठीक है वहाँ पर चैप्टर नंबर थ्री में हमने एक एजम्पन ली थी कि इकोनॉमी क्लोज्ड है और यहाँ पर हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी क्लोज्ड नहीं है बल्कि ओपन इकोनॉमी है नाउ वी लुक एट द सेम मॉडल इन द केस ऑफ़ एन इकॉनॉमी दैट इज़ फुली ओपन ओके फुली ओपन है टू कैपिटल फ्लोस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी फाइनेंस बाय फॉरेन सेविंग्स क्योंकि उस कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट्स uh, होती थी क्लोज इकॉनमी में वो उसी इकोनॉमी की सेविंग्स से ही की जाती थी यानी कि जितनी सेविंग्स होती थी और वही सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ हो सकती थी लेकिन अब चूंकि एक ओपन uh, इकोनॉमी है तो ये किसी और कंट्री की सेविंग्स यहाँ पर मूव होकर कंट्री के अंदर आ सकती हैं और यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन भी फाइनेंस्ड बाई फॉरन सेविंग्स एंड सिमिलरली डोमेस्टिक सेविंग्स कैन भी यूज टू फाइनेस फॉरन इन्वेस्टमेंट और इसी तरह एक कंट्री की सेविंग्स जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर उसकी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं बिकॉज द इकानीज ओपन टू कैपिटल फ्लो वी कैन यूज द ला ऑफ वन प्राइज टू कंक्लूड दैट प्राइज ऑफ एनी मोबाइल फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन मस्ज भी सेम इन द कंट्री वी आर कंसिडरिंग एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी लॉ ऑफ वन प्राइस और ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि लॉ ऑफ़ वन प्राइस क्या होती हैं लॉ ऑफ वन प्राइस ये होती है कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट या फिर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में या फिर पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में एक ही कीमत में बाय की जा रही हैं या सेल की जा रही हैं यानी कि उसकी एक ही प्राइस है यहाँ पर हम जो एज़्यूम कर रहे हैं इस मॉडल को समझने के लिए तो सबसे पहला जो एजम्पन है वो ये है कि लॉ ऑफ वन प्राइज होगा यानी कि एंड मोबाइल फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उसकी प्राइजेस सेम होंगी ठीक है इट कंक्लूड दैट प्राइज ऑफ एनी मोबाइल फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सेम इन द कंट्री वी आर कंसिडरिंग उस कंट्री में जिसकी बात हम कर रहे हैं एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री दैट द वे वी मेजर द प्राइज ऑफ कैपिटल इज़ बाय रेंटल रेट अब यहाँ पर फिर चैप्टर नंबर थ्री का हवाला दिया जा रहा है कि उसमें हमने रेंटल रेट के बारे में भी पढ़ा था यकीन आप लोग भूल चुके होंगे कि रेंटल रेट क्या होता है रेंटल रेट जो है जब एक कैपिटल को हम परचेस करते हैं या फिर हमारे पास हमारी अपनी ओन्ड कैपिटल होती है अगर हम उसको किसी को कर्ज़े पर दें हम किसी को लोन दे दें हम उसको किसी को किराए पर दे देते हैं रेंट पर दे देते हैं तो उसके जितने पैसे हमें मिलने थे यानी ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल आ जाती है अगर एक कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए लेकिन अगर उस प्रोडक्शन उस कैपिटल को हमने किसी और को दिया होता तो उससे हमें कितनी अर्निंग होती हमें कितने पैसे उसके मिलने होते वो जो अमाउंट होती है वो जो पैसे होते हैं वो रेंटल रेट कहलाते हैं ठीक है तो अब हम प्राइस ऑफ कैपिटल को हम किस तरह से मेंशन करेंगे हम उसकी रेंटल रेट यानी आर से मेंशन करेंगे आर विल बी फॉर डिनोटिंग द रेंटल रेट ठीक है दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग वन यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर वन यूनिट ऑफ टाइम क्लियर है वी देर फोर विल एज्यूम दैट इन इन एन इकोनॉमी

दूसरी जम्शन ये है कि हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी स्माल साइज़ में है यानी कि अगर उसमें किसी प्राइस में किसी इन्वेस्टमेंट uh, के रेंटल प्राइस में किसी भी चीज़ में अगर डिफरेंस आता है तो रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड को उसकी चेंजेस uh, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक इकानमी बहुत बड़ी इकॉनॉमी होती है तो उसमें अगर कोई चेंज आता है तो पूरी दुनिया में चेंज आ जाता है इसीलिए हम यहाँ सपोज़ कर रहे हैं कि वो uh, पूरी uh, दुनिया को इफ़ेक्ट नहीं करेगी अगर उसमें कोई भी चेंज आएगा ठीक है वट हैपन्न दिस इकोमी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्राइज ऑफ फैक्टर्स ऑन द रेस्ट ऑफ द ठीक है अब जो थर्ड हमारी एक्जशंस आ जाती हैं वो क्या है अ फाइनल सिंप्लीफाइंग इज दैट वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन एनालिसिस हमने ह्यूमन कैपिटल की इफ़ेक्ट्स को इसमें इग्नोर कर देना है और हमने सिर्फ कैपिटल मोबिलिटी को लेनी है इसीलिए जब हम मॉडल लिखेंगे तो उसमें एल नहीं होगा एल को हम इग्नोर कर देंगे और हम सिर्फ के लेंगे अब जो हमारे पास मॉडल आ जाता है वो मॉडल क्या है स्मॉल वाई इज़ इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल के पावर अल्फा ये जो मॉडल uh, है ये आउटपुट है आउटपुट डिपेंड कर रही है हमारी किस पर कैपिटल uh, वर्कर पर और ए जो है वो उसका रेशो है कॉफिशेंट है जीरो टू वन इसकी वैल्यू होती है और ए जो है वो हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए कहलाएगा ठीक है इन चैप्टर थ्री वी कैलकुलेटेड द मांड एंड प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम पी के आप पेज नंबर फिफ्टी सिक्स पर देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक मॉडल से एम पी के की का फार्मूला निकाला था एम पी के इज़ इक्वल टू एल्फ़ा ए के पावर अल्फा माइनस वन ये जब हम इसकी डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास एम uh, पी के यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का फार्मूला आ जाता है ठीक है अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन uh, आ गई है ये जो हमारे पास मॉडल आ गया है एम पी के का फार्मूला जो है इसमें ये चीज़ हमें क्या बताती है ये क्या एक्सप्लन करती है ये बात जो है काबिल गौर है दिस इक्वेशन सेज़ ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है दैट द एम पी ऑफ एम पी के डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर के यानी कि जैसे जैसे कैपिटल पर वर्कर में इजाफा होता जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल में कमी आती जाएगी इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ था पहले भी इसको इसको हमने कंक्लूड किया था कि इस इक्वेशन का ये मतलब है अगेन चैप्टर थ्री वाली चीज़ यहाँ पर रिवाइज हो रही है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफि कैपिटल जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे कैपिटल पर वर्कर में इजाफा होता जाता है ठीक है इन चैप्टर नंबर थ्री वी सॉ दैट एज अ कंसिक्वेंसिस ऑफ फॉर्म मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज़्क्ल टू द रेट ऑफ कैपिटल अब कहा जा रहा है कि जब हम प्रॉफिट को मैक्सीम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है हमारा रेंटल रेट जो होता है आर uh, की जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है एम पी के आर इज़ इक्वल टू एम पी के विच इज़ इक्वल टू एल्फ़ा ए के पावर एल्फ़ा माइनस वन ठीक है डिफाइनिंग आर एज द रेंटल रेट ऑफ कैपिटल गिव एज द क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन हमें दे देती है यही वाली अब हमारे पास अवर factor ऑफ फैक्टर ओपननेस ऑफ फैक्टर फ्लोज एम्प्लाइज दैट of one प्राइज होल्ड्स true. फैक्टर प्राइज इन द कंट्री वी आर examining मस्ट बी द सेम अब हम ये हमने जो हमने जो पहली एजें्पन दी थी वो ये थी कि रेंटल आ, रेट जो होगी या रेंटल प्राइस जो होगी वो पूरी दुनिया में एक होगी इसीलिए हम क्या करते हैं हम आर को लेते हैं आर डब्ल्यू के बराबर आर डब्ल्यू क्या है ये है वर्ल्ड में जो रेंटल रेट ऑफ कैपिटल है वो और इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर है यानी आर इज़ इक्वल टू आर डब्ब्यू अब अगर हम पिछली इक्वेशन के साथ इसको यानी आर की जगह आर डब्ल्यू लिख लेते हैं तो कंबाइन करने से क्या आएगा कंबाइन द प्रीसीडिंग टू इक्वेशंस वी गेट लाइक दिस रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन टू सॉल्व फॉर द लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर के के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास uh, ये इक्वेशन आ जाती है इसकी जो कैलकुलेशन हैं इसमें आप ना उलझें जस्ट आपने इसकी जो मेन मीनिंग uh, है वो उस पर ध्यान देना है के की वैल्यू जो है वो ये आ जाती है इक्वेशन दिस एनालिसिस प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इससे क्या कंक्लूड होता है विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी द कैपिटल लेबर रेशो डिपेंड्स ऑन द वर्ल्ड रेंटल रेट ऑफ कैपिटल This result is important because, in our previous analysis of growth and capital accumulation in Chapter 3 and 4, we examined a situation in which. कैपिटल लेबर रेशो इन अ गिवन कंट्री डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स लाइक सेविंग एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन हमने जो चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फ़ोर पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन uh, की ग्रोथ रेट बढ़ती है और सेविंग्स की रेट uh, बढ़ती हैं तब वहाँ पर कैपिटल और लेबर uh, जो है इसका रेशो भी बढ़ जाता है अब क्या है टू सी दिस टू सी द इम्प्लिकेशन ऑफ कैपिटल मोबिलिटी ऑफ द लेवल जी डी पी पर वर्कर वी सब्सिट्यूट द लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर फ्राम इक्वेशन इलेवन पॉइंट वन ऊपर जो इलेवन पॉइंट वन की इक्वेशन आई है के की हमने uh, जो um, हमारा मॉडल है वाई इज इक्वल टू ए के अल्फ़ा उसमें हमने जब पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ टू डू With what is not in it अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इस इक्वेशन में कहीं पर भी ये नहीं ये लिखा हुआ कि सेविंग्स से जो है वो कैपिटल में इजाफ़ा हो रहा है हालांकि ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब सेविंग्स से हमारी ज़्यादा होती हैं तो इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं और कैपिटल में इजाफ़ा होता है अब क्या है द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ टू डू विद वट इज़ नॉट इन इट रिकॉल कॉल फ्राम चैप्टर नंबर थ्री दैट इन अ सोडो मॉडल फॉर अ क्लोलोज इकोनॉमी द लेवल ऑफ जी डी पी पर वर्कर डिपेंड्स ऑन द सेविंग रेट कि हमारी जो जी डी पी होती है वो डिपेंड कर रही होती है सेविंग रेट पर लेकिन यहाँ पर सेविंग रेट uh, का जिक्र नहीं किया गया अ कंट्री डेट सेव्स मोर

तो डिस मीन दैट इफ़ द इकोमी इज़ ओपन टू फैक्टर क्लोज अ कंट्री विद अ हाई सेविंग रेट विल नॉट बी रिचर देन अ कंट्री विद अ लोअर सेविंग रेट अगर कंट्री जो है वो ओपन होती है तो क्या uh, कम और ज्यादा सेविंग रेट होने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ता भी है या नहीं सेंग्स रेट के कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है जी डी पी पे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इट मीन्स इट सेज़ नो हाउ बट यू सी वाई अविंग वाई अ हाई सेविंग कंट्री विल बी बैटर ऑफ देन अ लोअ सेविंग कंट्री वी मस्ट लुक बियंड जी डी पी टू जी एन पी फिर अगर हम ये कहें कि हाई सेविंग वाली कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं लो सेविंग्स वाली कंट्री सी तो हमें जी डी पी से हट कर जी एन पी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि जब हम जी डी पी की बात कर रहे होते हैं तो वो एक क्लोज इकोनॉमी की बात होती है एक कंट्री के अंदर जितनी भी रिसोसेज हैं उसे यूज़ की हुई जो इनकम होती है वो जी डी पी कहलाती है इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जीडीपी को छोड़ कर इग्नोर करके हम जीएनपी की तरफ थोड़ा सा जाएं तो हमें यह पता चलता है कि कोई और कंट्री जो है वहाँ जाकर हमारी सेविंग्स uh, अगर यूज़ हो रही हैं किसी हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री की सेविंग्स किसी और कंट्री में जाकर इन्वेस्ट हो रही हैं तो वो पैसे भी हमारी ही कंट्री की तरफ आ रहे हैं और हमारी ही इकनॉमिक ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं कंसिडर वट वट हैपन इफ़ अ कंट्री रेज्ड इट्स सेविंग रेट इन द क्लोज इकानमी मॉडल ऑफ चैप्टर नंबर थ्री दिस इंक्रीज इन सेविंग वुड रेज द लेवल ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड दिस रेज द कैपिटल स्टॉक कि अगर एक क्लोज इकानमी में सेविंग्स बढ़ती हैं तो डोमेस्टिक्स जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसमें इजाफा होगा और कैपिटल स्टॉक में भी इजाफा होगा बट इफ़ द सेविंग रेट इनक्रीज इन ओपन इकॉनॉमी अब यहाँ बात जो है ओपन इकॉनमी की की जा रही है <coughs> इसी पैराग्राफ में शुरू में जो बताया जा रहा था वो था जीडीपी के बारे में क्लोज इकोनॉमी के बारे में अब बात आ जाती है ओपन इकोनॉमी में कि अगर ओपन इकोनॉमी में हम सेविंग्स को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक वुड लोअर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्योंकि हमने ये पिछले पेज पर पढ़ा कि जैसे ही कैपिटल uh, स्टॉक बढ़ता है यानी कि अगर सेविंग्स बढ़ी कैपिटल स्टॉक बढ़ा तो उससे क्या हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो लो हो जाएगी एट दिस पॉइंट आप ऐसा करें कि पहले तो ये लाइन जो है इसको अंडरलाइन कर लें इफ़ द सेविंग रेट इंक्रीज इन एन ओपन इकोनॉमी द इंक्रीज़ इन द कैपिटल स्टॉक वुड लोअर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ठीक है एज द एट दिस पॉइंट ऑनर्स ऑफ कैपिटल वुड फाइंड दैट दे वुड अर्न हाइयर रिटर्न एब्रॉड एंड वुड ट्रांसफर दियर कैपिटल आउट ऑफ द कंट्री कि अगर उनको लगता है कि उन्हीं की कंट्री में कैपिटल स्टॉक के बढ़ जाने की वजह से एम पी के जो है वो लो हो रही है तो फिर वो क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना जो कैपिटल स्टॉक है वो दूसरी कंट्री में ले कर जाएँ और वहाँ इन्वेस्ट करें mm. तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी और कंट्री में लेकर जाते हैं और कैपिटल जो है वो अब्रॉड मूव करना शुरू कर जाता है दिस मोमेंट ऑफ़ कैपिटल अब्रॉड वुड कंटिन्यू अनटल द एम बी के अगेन वर्ल्ड लेवल और फिर ये तब तक बाहर की तरफ मूव होती रहती रही है जब तक के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो वर्ल्ड लेवल पर बराबर ना हो जाए इक्वल ना हो जाए इन दिस वे दैपिटल स्टॉक वुड रिटर्न टू द फॉर्मर लेवल ऑल द रज़ इन सेविंग वुड रिजल्ट इन इनक्रीज़ ऑनरशिप ऑफ कैपिटल इन द कंट्रीज और ये जो है दोबारा सारी चीज़ें एकवल हो जाती हैं री कॉल दैट जी एन पी इन द इनकम ऑफ ऑल फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन दैट आर ओन्ड बाई द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री पेज नंबर थ्री ट्वेंटी वन पर है आपकी बुक में कि अगर हम ये देखते हैं कि जी एन पी जो है वो इनकम होती है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कि किसी एक कंट्री के रेजिडेंट्स यानी कि यहाँ पर जी एन पी की डिफिनेशन बताई गई दस ऑल दो चेंजेस इन द सेविंग रेट विल नॉट अफेक्ट जी डी पी तो अगर सेविंग्स जो है ओपन इकोनॉमी में उसमें सेविंग्स में अगर चेंजेस आती हैं कमी आती है या ज़्यादा आती है तो जी डी पी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी एन पी पर पड़ सकता है ठीक है अ कंट्री डेट सेव्स मोर विल अर्न मोर कैपिटल इन टोटल एंड विल मोर कैपिटल इनकम कंसिक्वेंटलीट जी एन पी विल राइज जी एन पी में इजाफा होगा और जी डी पी जो है वो अनचेंज्ड रहेगी ये जो है हमारा कंक्लूजन हो गया जो हमने ये आज का टॉपिक पढ़ा है ये उसका है ठीक है क्योंकि हम फैक्टर मोबिलिटी की बात कर रहे हैं फैक्टर्स जो है फैक्टर मोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमने कैपिटल मोबिलिटी ली है और कैपिटल जब मूव करती है तो जीडीपी पर इफेक्ट नहीं आता जीएनपी पर इफेक्ट आता है One important implication of uh, this free capital flow model is that for a country with a low saving rate, openness to capital uh, flow should rise raise in the GDP. के अगर ऐसा होता है कि uh, open economy है, ठीक है, और उसमें uh, किसी country की savings low हैं, तो अगर बाहर से Uh, जो कैपिटल्स हैं वो इनफ्लो होता है उनका कैपिटल अंदर आ रहा है कंट्री के फॉरेन कैपिटल हमारी कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है ओपन इकॉनमी होने की वजह से तो फिर हमारी जीडीपी रेस कर सकती है ठीक है कैपिटल दैट इज़ नॉट सप्लाइड डोमेस्टिकली कैन बी सप्लाइड फ्रॉम एब्रोड की अगर सेविंग्स कम है हमारे पास कैपिटल की कमी है तो एब्रोड से कैपिटल आ सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए The same would hold true for any country that has a low level of capital. For example, a country in which a war or natural disaster destroyed a part of the capital stock. If the economy is open to capital flow,

अ फाइनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल इज दैट फॉर अ कंट्री विद हाई सेविंग रेट ओपन टू कैपिटल फ्लोज विल लोअर द लेवल ऑफ जीडीपी पर वर्कर एस कैपिटल विल फ्लो अब्रॉड इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर ओपन इकोनोमी होती है और सेविंग्स जो हैं वो हाई है तो हमारी जीडीपी जो है वो लो ही रहेगी और कैपिटल बाहर की तरफ फ्लो करता रहेगा वेर इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज हाई याट पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हाई होगी कैपिटल जो है पर जाएगा जो होंगे वो कैपिटल को दूसरी कंट्री में लेकर जाएंगे एट

इट कैन बी शोन दैट ओपन फ्लो विल रेज द लेवल ऑफ जी एन पी पर वर्कर इन बोथ हाई एंड लो सेवन कंट्रीज कि हमारी जी एन पी जो है वो इनक्रीज कर रही होती है तो दैट इज गुड फॉर एन इकोनमी पेज नंबर थ्री ट्वेंटी वन टॉपिक uh, है असेसिंग द फ्री कैपिटल फ्लो मॉडल अब देखें यहाँ पर जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा और जो हमने मॉडल बनाया और उसके बाद हमने उसको कंक्लूड किया उसकी कन जो रिज़ल्ट है वो एक, एक सेंटेंस में हमने उसको भी समराइज कर दिया अब कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हमने एक मॉडल के ज़रिए ऑब्ज़र्व की और हमने उसको जो है समराइज कर दिया क्या वो रियल वर्ल्ड में भी इसी तरह इम्प्लीमेंट होती है या नहीं तो उसको असेस करने के लिए उसको चेक करने के लिए जो है वो रियल लाइफ से एग्जांपल ली जा रही है और समझाया जा रहा है पेज नंबर थ्री ट्वेंटी वन असेसिंग द फ्री कैपिटल फ़्लो मॉडल Having examined a model of growth in a world with perfect capital flows, we now assess whether this model is appropriate for understanding the real world. In the first part of this chapter, we examine data on the size of capital flows. Now we ask whether these flows are large enough to justify the assumption of perfect capital mobility. In the model, uh, we just uh, in the model we just developed, investment in a country uh, has no relationship to that country's level of saving but investment does depend on the value of the productivity's coefficient as equation 11.1 .1 shows a country with a higher value of a will have a large capital stock 11.1 okay, .1 okay. ए यानी कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक भी ज्यादा होगा विच एम्प्लाइज हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी सेविंग बाई कंट्रास्ट माई डिपेंडेंट फैक्टर्स सच इज़ हाउ Present or future oriented people in a country are having a higher saving rate doesn't necessarily make a country a um, good place to invest. A country mein investment uh, yani ki savings, zyada hoti hai, ke wahan par investment. Ke bhi ke ho. Given these observations, we could not expect to see any particular relationship between saving and investment rates in the free capital uh, flow model. In statistical terms, these rates should be uncorrelated. Hame सेविंग और इन्वेस्टमेंट के दरमियान कुछ ख़ास रिलेशन नज़र नहीं आता इस लिहाज से क्योंकि सेविंग्स के ज़्यादा होने ज़्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि वहाँ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी हो सकता है कि किसी कंट्री में सेविंग ज़्यादा हों लेकिन क्योंकि वो ओपन इकोनॉमी है तो उसकी जो सेविंग्स हैं वो किसी और कंट्री में जाकर इन्वेस्ट हो रही हों ठीक है इन कंट्रास्ट इन द क्लोज इकानमी मॉडल ऑफ चैप्टर नंबर थ्री सेविंग एन इन्वेस्टमेंट विद यर कंट्री वू आर इक्वल सो लुकिंग अक्रॉस कंट्रीज सेविंग इन्वेस्टमेंट वुड भी परफेक्ट इकोरिलेटेड कि अगर क्लोज इकानमी की बात की जाती है तो ज़ाहिर है जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो इन्वेस्ट हो रही होती हैं देर इज सेविंग माइ नॉट बी द सेम इन एवरी कंट्री बिकॉज कंट्री इज डिफर इन द सेविंग प्रोपेंसिटीज ऑफ दियर पॉपुलेशन आर दियर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स बट

ठीक है उसको एज अ सैम्पल लिया गया है और कहा जा रहा है कि इनके दरमियान एक कोरिलेशन पाई जाती है क्योंकि ये ओपन uh, इकॉनमी है ठीक है Diagram shows the results of just such a test from a famous study by economists Martin Felsten and Charles Horeca. this study data liya 1960 1974 diagram. This figure is very clear. Savings and investment are highly correlated, so the presumptions of free capital movement in APRO is inappropriate. Using the data in 11.5 वी कैन गैन टू कैलकुलेट द मेडिकल इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ कैपिटल मार्केट ओपन एस कार सेविंग रेटेंशन कॉफिशंट दिस कॉफिशंट विच इक्वल द स्लोप ऑफ लाइन ड्रॉन टू द फिट एंड डेटा इन द फिगर कि वो कॉफिशेंट जो कि इस कर्व को स्ट्रेट लेकर आएगी यानी कि ट्रेंड शो करेगी उसको हम सेविंग रिटेंशन कॉफिशेंट्स कहते हैं इकोनमी क्लोज टू द कैपिटल फ्लो द सेविंग्स रिटेंशन कॉफिशेंट वुड भी वन इसको लाइन कर लें पेज नंबर लाइन मीनिंग दैट एन एडिशनल डॉलर ऑफ सेविंग वुड लीड टू एन एडिशनल डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ परफेक्टली ओपन इकोनॉमी ऑफ द टाइप एनालाइज्ड इन द सब सेक्शन जो हमने पिछले पेजेस पर जो चीज़ पढ़ी है उसी की समरी बताई जा रही है द सेविंग वुड बी जीरो ठीक है इसका लास्ट पैराग्राफ देखें इसको यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल um, के थ्रू समझाया जा रहा है जो उन्होंने रिसर्च किया है उसका रिजल्ट डिस्कस किया गया है दिस रिज़ल्ट सजेस्ट दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट ओपननेस इन रीसेंट ईयर इकोनॉमीज रिमेन क्लोजर टू बी क्लोज टू कैपिटल फ्लोज दैट दे आर टू बीग परफेक्टली ओपन देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस दैट पुअर कंट्रीज दोज मोस्ट एबल टू बेनिफिट फ्राम लार्ज फॉरन इन्वेस्टमेंट आर जनरली लेस ओपन टू कैपिटल फ्लोज कि यह ऑब्जर्व किया गया है कि वो कंट्रीज जो पुअर होती हैं वो ज्यादातर कैपिटल फ़्लोज़ के लिए ओपन नहीं रह पाती देन द रिच कंट्रीज और रिच कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा ओपन uh, इकानमी होती हैं फॉर एक्जाम्पल टोटल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द पुअर कंट्रीज़ ऑफ साउदर्न एशिया एवरेज जस्ट फोर्टी वन पर कैपिटा एंड ऑस्ट्रेलिया द कंपेरेबल फिगर वॉज टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी थ्री यानी ये कंक्लूजन बता दिया गया है कि हमने डिस्कस किया कि जो सेविंग्स जहाँ पर ज़्यादा होती हैं उसका जो कैपिटल uh, है वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट होता है लेकिन ये फ़ायदा मंद है ओपन इकोनमी लेकिन जितना हमने ऑब्जर्व किया है वो बात हमें ये बताती है कि कंट्रीज़ जो पुअर होती हैं वो ज़्यादा ओपन नहीं रह पाती वो अफोर्ड नहीं कर सकती ओपन रहना या नहीं रहती हैं और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ओपन इकानमी होती हैं और उन्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा होता है दैट वाज़ द कंक्लूजन हमारा जो टॉपिक है आज का वो यहाँ ख़त्म होता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओपननेस एंड प्रोडक्टिविटी Uh, इन श्ला हम नेक्स्ट लेक्चर में ओपननेस एंड प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे तब तक आपने इस प्रीवियस टॉपिक को इस डायग्राम को इस मॉडल्स को रिवाइज कर लेना है और अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है ताकि अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग फिर पूछ सको मुझसे टेल दिन थैंक यू अल्लाह हाफ